मंगलवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी जलभराव के कारण नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जंगेश चौराहा, विजय चौक से अलीनगर रोड, धर्मशाला बाजार के महापौर कैंप कार्यालय के समीप सहित महानगर के अन्य क्षेत्रों में बारिश का पानी 1.5 से 2 फीट ऊपर सड़क पर आ गया, जिससे राहगीरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा जलभराव से बचाव के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन मात्र कुछ क्षणों तक हुई बारिश ने नगर निगम की सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दिया। विजय चौराहे पर सड़कों के टूटे होने के बाद उसके ऊपर हुए जलभराव से दुर्घटना भी हो गई और एक रिक्शा यात्रियों को लेकर पलट गया। फिलहाल रिक्शे पर सवार लोग सुरक्षित हैं। इस संबंध में जब नगर आयुक्त अविनाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने नगर निगम की व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए बताया कि भारी बारिश के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन नगर आयुक्त ने जलभराव की समस्या से निपटने के उपायों पर कोई बात नहीं कही। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि गोरखपुर में अत्यधिक बारिश होने के कारण दिक्कत पैदा हुई है। नगर निगम द्वारा कई स्थानों पर पंप सेट लगाकर जल निकासी कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, बारिश जनपद गोरखपुर में आज नहीं आई है, लगभग 2-2.5 महीने से पिछले लगातार हैवी रेन हो रही है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो एक औसत वर्षा होती है उससे बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर लगातार बरस रहा है और इसकी वजह से शहर के कुछ निचले क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग हो गई है और उसको बहुत ही प्रयास के बाद नगर निगम ने निकाल दिया था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो रात्रि में 2 दिन लगातार बारिश हुई है उससे उन क्षेत्रों में जो कि एकदम पूरी तरह सूख गए थे फिर से वाटर लॉगिंग हो गई है। जैसे कि राम जानकी नगर है, हमारा नकहा वाला क्षेत्र है, ये डॉक्टर सिंक्लेव वाला है, इन क्षेत्रों में, इधर हमारा फर्टिलाइजर की साइड में है, तो इन क्षेत्रों से
गढ़िया वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पूरा हम लोगों ने सूख गए थे, लेकिन फिर से वहाँ पर पानी लग गया है। हम लोगों के इस वक्त गोरखपुर नगर निगम के 315 से ऊपर हमारे जो हैं मड पम्प, डीप वाटरिंग पम्प काम कर रहे हैं, जो लगातार चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे 32 गाँव, चूँकि अभी 2 महीने पहले ही नगर निगम की सीमा के भीतर आ गए हैं विस्तारीकरण की जो पॉलिसी के तहत, और उन गांवों में चूंकि वो गांव ही पूरी तरह से, तो उनके लिए अभी कोई ऐसा पानी निकलने की कोई निकासी की कोई ऐसी वो नहीं है बनी हुई थी, मतलब योजना, तो उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए चाहे कच्ची नाली खुदवानी पड़ रही हो, चाहे हमको वहाँ पंप लगवाना, जैसे कि बड़गो है, सेंदुली, बेंदुली, कजातपुर, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर कि पानी लगा हुआ है। इधर हमारा जो खोराबार है, खोरा टोला है, वसुंधरा है, प्रज्ञापुरम है, इन सभी जगहों पे, तो हमारी बहुत बड़ी ताकत इन 32 गांवों को भी संभालने में लग रही है। और निश्चित रूप से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं 24 घंटे वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह, कई जगह हमने 5-5 किलोमीटर लंबे कच्चे नाले भी खुदवाए हैं, उन कच्चे नालों को खोदने से काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंची है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमने जो अन्य आसपास के ज़िले से जो सक्शन मशीन होती है वो भी मंगवा रखी है, मशीन से भी काफ़ी जहाँ पानी थोड़ा कम हो रहा है उन मशीनों से हम खींच कर ले जाके नाले में डाल रहे हैं, जिसके माध्यम से पानी जो है रामगढ़ ताल में या अन्य तालों में जा रहा है। तो आज कहना क्या है कि इस वक्त भी जो है आ चुके, अभी भी थोड़ी देर पहले काफ़ी हैवी रेन हुआ है, पानी की समस्या वाटर लॉगिंग की है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज शाम या कल तक जो है इसको भी पूरी तरह से ख़त्म करा लें। सर, मुख्य जो चौराहे से अलीनगर रोड और गंगे चौराहे से देखा जाए तो चारों तरफ के रोड पे काफ़ी जल भराव था और सड़कें नीची, नालियां बराबर। देखिए वो दिक्कतें तो अगर सिटी में जाएंगे, तो अगर आप कहोगे कि जनपद की बनावट भी ऐसी है, इसकी भौगोलिक जो दशा कह लीजिए वो इस प्रकार से, जैसे कटोरे नुमा एक है, तराई का इलाका है, और यहाँ पे इसलिए वजह से बारिश ज़्यादा होती है, औसतन बारिश अन्य, जैसे आज अभी बारिश यहाँ लखनऊ में बारिश नहीं हो रही है, प्रयागराज या बनारस बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे ड्रॉबैक हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन चूंकि इसी में हम लोग को, इसके अलावा एक पूरे ड्रेनेज प्लान जो है नगर निगम GDA के सहयोग से तैयार करा रहा है, बहुत सी उसका भी प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि उस प्रेजेंटेशन के बाद जब उस पर काम होगा तो निश्चित रूप से जो ये यहाँ की गोरखपुर की नगर निगम के शहर की जो समस्या है उससे हम लोग पूरी तरह से छुटकारा पा जाएंगे।